YouTube पे बेहतर रीच के लिए वीडियो YouTube ऐप से अपलोड करना चाहिए या क्रोम से? वीडियो पोस्ट करते टाइम वीडियो का कैटेगरी क्या सिलेक्ट करना चाहिए जिससे वीडियो पे बेटर रीच मिले? वीडियो कैसे पोस्ट करना है, प्राइवेट, अनलिस्टेड या डायरेक्ट पब्लिक? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग कैसे काम करता है और हमारे वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सो इस वीडियो को देखने के बाद यू अंडरस्टैंड द राइट वे टू पोस्ट वीडियो ऑन YouTube। YouTube ऐप YT स्टूडियो और क्रोम के हेल्प से आप YouTube पे वीडियो पोस्ट कर सकते हो, बट न्यू क्रिएटर कंफ्यूज रहते हैं इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर है वीडियो पोस्ट करने के लिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप YouTube ऐप या YT स्टूडियो का यूज ना करो वीडियो पोस्ट करने के लिए। आप सोच रहे होंगे YouTube और YT स्टूडियो से वीडियो पोस्ट करने से क्या प्रॉब्लम है, व्यूज कम आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। YouTube और YT स्टूडियो के अपलोड पेज पे बहुत कम फीचर है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप YouTube स्टूडियो। YouTube ऐप से वीडियो पोस्ट करना आसान है, बेटर नहीं। जो आसानी से मिलता है वो अधूरा रहता है, पर जो मुश्किल से हासिल होता है वो गहराइयों तक जाता है। समझ रहे हो ना? डेस्कटॉप YouTube स्टूडियो में बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसे एनेबल करना इम्पोर्टेंट होता है। डेस्कटॉप YouTube स्टूडियो को मोबाइल फोन में एक्सेस करने के लिए किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च करना है YouTube लॉगिन। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर राइट साइड में प्रोफाइल का आइकन है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करना है। लो, ओपन हो गया डेस्कटॉप यूट्यूब स्टूडियो यानी क्रिएटर स्टूडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं ब्लिपकट एआई के बारे में। यह एक ऐसा एआई टूल है जिसके हेल्प से आप अपने वीडियो का वॉइस ओवर कर सकते हो। सिंपली आपको अपने वीडियो का स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। स्क्रिप्ट के लैंग्वेज के हिसाब से ब्लिपकट आपके वीडियो के लिए वॉइस ओवर जनरेट कर देगा। आप देख सकते हो ब्लिपकट ने बहुत क्लियर वॉइस जनरेट कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, आप ट्राई कर सकते हो। YouTube स्टूडियो को एक्सेस करने के बाद अब हमें वीडियो पोस्ट करना है। ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक करना है। अपलोड वीडियो पे क्लिक करके अपना वीडियो फाइल सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, बट यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स दिख रहे हैं जो न्यू क्रिएटर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। डिटेल के सेक्शन में सबसे पहले अपने वीडियो के लिए कैची टाइटल लिखना है। और हाँ, याद रहे टाइटल 60 वर्ड से कम होना चाहिए। 60 वर्ड से कम का टाइटल एट्रैक्टिव दिखता है और 60 वर्ड से ज्यादा का टाइटल YouTube पे विजिबल नहीं होता, जिसके कारण बोरिंग लगता है। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो सर्चेबल हो, कोई सर्च करे तो सर्च फील्ड में आपका वीडियो रैंक करे। कैची टाइटल फाइंड करने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी को ओपन करके कमांड देना है, जीपीटी खुद आपके कंटेंट के बेस पे टाइटल जनरेट कर देगा। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चैट जीपीटी का 100% यूज ना करो। आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, लाइक आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चैट जीपीटी से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग जनरेट करना नहीं आता तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वीडियो को सर्च फीड में रैंक करने में बहुत हेल्प करता है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन को कभी भी इग्नोर ना करना। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले अपने वीडियो का टाइटल कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद अपने वीडियो के बारे में बताना है एंड अपने वीडियो के रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स भी मेंशन करने हैं। आप चाहो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैं अपने वीडियो का टाइटल कॉपी पेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं अपने वीडियो के बारे में बताता हूँ, रेफरेंस के लिए कुछ वीडियो का लिंक भी देता हूँ और वीडियो रिलेटेड कीवर्ड भी। आप चाहो तो मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ऑडियंस। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, यस और नो। YouTube आपसे पूछ रहा है क्या ये वीडियो बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, बच्चों के लिए नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। यस सेलेक्ट करते हो तो आपके वीडियो पे बहुत कम व्यू जाएगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो ना के बराबर अर्निंग होगी। नो सेलेक्ट करते हो तो आपके वीडियो YouTube सभी एज के लोगों को दिखाएगा, जिसके कारण ऑफ कोर्स ज्यादा व्यू जाएगा और अर्निंग भी होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नो सेलेक्ट करो। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे टैग का ऑप्शन मिलता है। टैग्स आपके वीडियो को सर्च फीड में लाने में हेल्प करता है। टैग फाइंड करने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। सिंपली अपने वीडियो का टाइटल फिल करना है। ये वेबसाइट आपके टाइटल के बेस पे कुछ टैग्स रेकमेंड करेगा जिसे आप यूज कर सकते हो, या आप खुद अपने माइंड का यूज करके टैग रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है कैटेगरी। बहुत सारे न्यू क्रिएटर कैटेगरी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। न्यू क्रिएटर को लगता है सही कैटेगरी सेलेक्ट करने से चैनल पे रीच आता है, ऐसा नहीं है। YouTube आज के टाइम में बहुत एडवांस है। YouTube को खुद पता है आपके वीडियो किस ऑडियंस के पास रेकमेंड करना है। सो कैटेगरी सिर्फ आपका चैनल का सेल्फ इंट्रोडक्शन है, बट कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है तो उसे इग्नोर थोड़ी करना है, सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। आप अपने चैनल पे गेम खेलते हो तो कैटेगरी में गेमिंग सेलेक्ट कर सकते हो। चैलेंजेस या ब्लॉग करते हो तो आप एंटरटेनमेंट या
पीपल एंड ब्लॉग सेलेक्ट कर सकते हो, सिंपल है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। इस पेज को लेकर बहुत सारे मीथ है। कुछ क्रिएटर को लगता है विजिबिलिटी से व्यूज पे फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबिलिटी आपको हेल्प तो करता है बट व्यू इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता। प्राइवेट ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना वीडियो सेव करते हो तो आपका वीडियो कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ आप देख सकते हो। अनलिस्टेड प्राइवेट के जैसा ही काम करता है बट अनलिस्टेड के पास एक खास फीचर है, वीडियो का लिंक आप किसी पर्सन के पास शेयर करते हो तो सामने वाला पर्सन आपके लिंक पे क्लिक करके आपका वीडियो देख सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, कमेंट भी कर सकता है। प्राइवेट वीडियो का भी लिंक आप शेयर कर सकते हो बट सामने वाला पर्सन आपके लिंक पे क्लिक करके आपका वीडियो नहीं देख सकता और कमेंट भी नहीं कर सकता। यही डिफरेंट है प्राइवेट और अनलिस्टेड में। आपके वीडियो स्पॉन्सर है तो आप अनलिस्टेड पे सेव करके ब्रांड के पास लिंक भेज सकते हो वीडियो रिव्यू करने के लिए। पब्लिक में आपका वीडियो सेव नहीं होता, डायरेक्ट पब्लिक होता है। पब्लिक होने के बाद वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर्स के पास चला जाता है, वीडियो सर्च फीड में रैंक करने लगता है। पब्लिक करने के बाद आपका वीडियो अब कोई भी देख सकता है। शेड्यूल फीचर का यूज करके आप अपना वीडियो फ्यूचर में पोस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कल मुझे वीडियो पोस्ट करना है बट मैं कल बिजी रहूंगा, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो मैं आज ही वीडियो कल के टाइम पे शेड्यूल कर दूंगा। कल जो मैं टाइम सेट करूंगा वीडियो कल उसी टाइम पे ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि विजिबिलिटी कैसे काम करता है। और हाँ, याद रहे विजिबिलिटी से व्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता बट चैनल क्रिएट करते टाइम कुछ सेटिंग्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग सेटिंग्स मिस कर देते हैं जिसके कारण उनके चैनल पे रीच नहीं आता। तुम राइट तरीके से चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से आपको कुछ शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।